तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे अब कल की 2898 मूवी की फाइनल रिलीज डेट आज अनाउंस हो जाएगी 5 बजे। और ये मूवी इंस्पायर है कलयुगा थ्योरी से, यानी कलयुग का नाश होगा और ये सारी चीजें कली कल्कि ये सब दिखाने वाले हैं, यानी कल्कि का 10वें अवतार के बारे में इसमें दिखाया जाएगा जो प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं। और जब बात कलयुग की चली रही है, हिंदू कल्चर का वो डीप माइथोलॉजिकल कनेक्शन जिसमें 8 चिरंजीवियों का भी वर्णन है, यानी कलयुग में थ्योरी ये है कि भाई साहब जो जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन 8 चिरंजीवी जिनके बारे में वो अमर रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और उनका जीवित रहने का मकसद भी ये है कि कल्कि जो 10वां अवतार होने वाला है अपने भगवान विष्णु का, वो जो नाश करेगा कली का उस राक्षस का जो बहुत पावरफुल है, और कलयुग का जो नाश होगा इसके बाद सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। अगर पुराणों की बात माने और विष्णु पुराण की बात माने तो ये सारी बातें वहां पर कही गई है। वैसे अब 8 चिरंजीवी हैं जिसमें से एक चिरंजीवी का करेक्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है, यानी अश्वत्थामा का, जो अमिताभ बच्चन रोल प्ले करने वाले हैं। तो बाकी के साथ कौन कौन है? बाकी के साथ है हनुमान जी, परशुराम, और ये दो भी बहुत बहुत पावरफुल चिरंजीवी रहेंगे और इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा कल्कि को डायरेक्शन देने में, मार्गदर्शक दर्शन करने में, और ये कल्कि को प्रिपेयर करेंगे कली से लड़ने के लिए, जिसमें से अश्वत्थामा का बहुत बड़ा रोल रहेगा, वो हमने देख ही लिया है उनके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद परशुराम का भी बहुत बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है, लेकिन भाई परशुराम के लिए किसको चुना जाएगा, क्योंकि मूवी आनी है 3 पार्ट में, और मूवी ऐसा नहीं है कि एज इट इज देखने को मिलेगी, और मूवी की कहानी लगभग लगभग इमेजिनरी ही होने वाली है। हाँ, हिंदू कल्चर से बहुत सी ऐसे की पॉइंट्स लिए गए हैं जिनके द्वारा इस कहानी को सजाया बुनाया जाएगा, जिसमें से एक चीज ये भी देखने को मिली थी, यानी AI था या कुछ भी था। हाँ, मूवी डिस्टोपियन एरा को फॉलो कर रही है, साइंस साईफाई और AI का फुल तड़का देखने को मिलेगा इसमें। और यस, क्योंकि कलयुग का जितना टाइम पीरियड बताया जा रहा था 432,000 के आसपास कलयुग का टाइम पीरियड रहेगा, तो आगे जाके भाई साहब हमारी AI बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, एवोल्यूट हो जाएगी, तो आगे जाके हमें वो साइबॉग ये वाला सिस्टम ही देखने को मिलेगा जो बिल्कुल फिट बैठता है वो डिस्टोपियन एरा के इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो। जिसमें से बात ये भी कही गई है कि जब कल्कि का जन्म होगा वो उन्हें पूजा करनी पड़ेगी भगवान शिव की, और भगवान शिव उन्हें तोहफे में क्या देंगे, एक ऐसी तलवार देंगे जो बहुत पावरफुल होगी, उसके बाद एक घोड़ा दिया जाएगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एंड उसके बाद एक तोता भी दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें दी जाएंगी जो उनका भरपूर मार्गदर्शन करेंगी और कली से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल इन्हें बनाएंगी। साथ में चिरंजीवियों का रोल तो इसमें रहने ही वाला है, अश्वत्थामा का भी, देन उसके बाद परशुराम, हनुमान, इन 3 का मेन रोल होने वाला है। देन उसके बाद विभीषण का भी बहुत अच्छा रोल होने वाला है, बलि, देन उसके बाद कृपाचार्य एंड व्यास, एंड सबसे बड़ा रोल और भी होने वाला है ऋषि मार्कंडेय का। तो इन 8 चिरंजीवियों की मदद से कल्कि कली को हराएंगे और कलयुग का सर्वनाश हो जाएगा। तो भाई साहब कौन कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए? और नाम आ रहा था कि दुलकर सलमान भी इसमें होने वाले हैं एंड सुपरस्टार नानी का रोल भी इसमें होने वाला है, कहीं ना कहीं रामचरण का भी नाम होने सुनना आ रहा था, लेकिन हनुमान का रोल प्ले कौन कर सकता है? देन उसके बाद भाई जूनियर NTR का तो नाम आया ही आया है, और जूनियर NTR के लिए फॉर श्योर नहीं कहूँगा, लेकिन र्यूमर्स कहीं आ रहा था कि परशुराम का रोल प्ले कर सकते हैं ये मूवी में, और मूवी 3 पार्ट में आनी है एवरीवन नोज, और ये मूवी की कहानी डिस्टोपियन एरा को फॉलो करने ही करने वाली है। तो इससे जुड़ी और भी कुछ बातें अगर आपको पता है और थ्योरी क्या सेट हो सकती हैं वो भी जरूर बता दीजिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाकी मेरे हिसाब से भाई साहब इतना ही है, और भी कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी मिलती है तो जरूर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, थ्योरी सेट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि कहानी आखिर होने क्या वाली है। फिलहाल के लिए भाई साहब 8 चिरंजीवी उसका रोल जो होने वाला है इसमें वो बहुत एक्साइटेड कर रहा है, एंड प्रभास का भी 4 से 5 रोल इसमें देखने को मिलेंगे। महाभारत के टाइम से कहानी शुरू होगी और महाभारत के टाइम से ये 2898 में आकर शायद यहाँ ख़त्म हो जाए, या फिर फर्स्ट पार्ट में ये कवर अप करने वाले हैं, तब उसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट होगा और कहानी दमदार होने वाली है। भाई कौन कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। और अगर आपको पता है तो हनुमान का रोल कौन प्ले कर सकता है ये भी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही।